कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 दशमलव 1 अध्याय 14 सांख्यिकी। प्रश्न चौथा, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या को ज्ञात करो। अब प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या दिया है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और यह महिलाओं की संख्या 65 से 68 दो महिलाओं की, 68 से 71 चार, 71 से 74 तीन, 74 से 77 आठ, 77 से 80 सात, 80 से 83 चार और 83 से 86 दो। इस प्रकार से ये हृदय स्पंदन की हमारे पास क्या है, गति है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसमें मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु को हम xi से प्रदर्शित करेंगे। मध्य बिंदु किनका, 65 और 68 दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो ये माप आएगी कितने, इन दोनों का मध्य बिंदु आएगा 66.5, इन दोनों का मध्य बिंदु 69.5, अगला 72.5, फिर मध्य बिंदु आएगा 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। गणना करने में ये मान कुछ कठिनाई उत्पन्न करेंगे, उसको सरल करने के लिए कुछ इस प्रकार से हम उपयोग करते के लिखते हम विचलन विधि का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, हम xi में से a को घटा देंगे। ये क्या, काल्पनिक माध्य, ये हमारे पास है काल्पनिक माध्य। मान लो यहां मान ले रहे हैं, माना e जो काल्पनिक माध्य है उसको मान लिया कि वो 75 कितना है, 5। प्रत्येक xi में से उसको क्या करना, घटाना। 66.5 में से जब 75.5 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण 9। इसको घटाएंगे तो ऋण 6, ऋण 3, यही घटेगा उसी पद से तो 0, अगला 3, फिर 6 और धन 9। FI और DI दोनों का गुणा, FI और DI इन दोनों का गुणा, मतलब क्या, ऋण 9 गुणित 2 ऋण 18, ऋण 6 गुणित 4 ऋण 24, ऋण 3 गुणित 3 ऋण 9, 0 गुणित 8 0, 3 गुणित 7 21, 6 गुणित 4 24, 9 गुणित 2 18। ऋण वाले सारे पदों को हम जोड़ लेंगे, 8 4 12, 9 21 के 1, हासिल के 2, 2 2 4 और 1 5, ये माना गया हमारे पास ऋण 51। धन वाले पदों को जोड़ेंगे, 8 4 12 13 के 3, हासिल के 1, तो 1 और 1 2 2 4 2 6। धन 63 में से 51 को हम घटा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, समेशन FI DI का मान। धन वाली संख्या बड़ी, ऋण वाली संख्या छोटी, ये आगे कितना, धन 12। ऐसे ही हम यहाँ महिलाओं की संख्या जिसको कि हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे, FI उसको जोड़ेंगे, 4 2 6 3 9 8 17 7 24 4 28 8 2 30 समेशन FI। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास में अब हम निकाल रहे इसमें प्रति मिनट माध्य संख्या,
प्रति मिनट। माध्य संख्या मतलब बार एक्स बराबरी से, क्योंकि हमने काल्पनिक माध्य मानते हुए हल किया, सूत्र होगा E धन समेशन एफ आई डी आई बटे समेशन एफ आई, क्या 75.5 धन 12/30। इसका हल देखेंगे तो ये आएगा 75.5 धन 0.4, तो क्या इनका योग आ गया 75.9। अतः महिलाओं की हृदय स्पंदन गति 1 मिनट, माध्य संख्या 75.9 होगी। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कर धन्यवाद।